हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंह स्टडी सेंटर। आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन से हैं? रिंग टोपोलॉजीज, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी, लाइन टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, मैश एंड स्टार और बस टोपोलॉजी के बारे में ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है। आप वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में आप ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजी इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब उसमें कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? आप उसका बस का भी हो सकता है, बस और स्टार का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, आपका रिंग और स्टार का टॉप कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, रिंग स्टार एंड बस का टॉप कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजी, मतलब दो या दो से अधिक अगर नेटवर्क टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है, अगर कोई फॉल्ट आता है किसी एक नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर, जहां मान लीजिए कि रिंग टोपोलॉजी में कोई फॉल्ट है, जहां पे ब्रेकेज है, तो वो क्या करेगा? उस नेटवर्क को इफेक्ट करेगा, बाकी किसी नेटवर्क में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। और क्या है इसमें एडवांटेज? इसमें एडवांटेज है कि आपका जो ट्राफिक है बहुत हैवी ट्राफिक रहेगा इसमें, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड है, तो इसके बाद ट्राफिक भी आपका ज्यादा रहेगा। और क्या एडवांटेज हो सकता है? और ये क्या होता है कि इसमें ट्रबल शूटिंग के लिए, क्योंकि अगर मेरा फॉल्ट यहाँ पे है तो मेरा डाटा यहाँ पे जहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि वे फिर मेरा फॉल्ट यहाँ पे है, तो मैं उस फॉल्ट को क्या करूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। डिसएडवांटेज में देखेंगे तो ये भाई नेटवर्क बहुत कम्प्लेक्सिबल है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको एक बार कन्फिगर करना या इंस्टॉल करना इतना इजी, और ये बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में और भी क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी कैन बी इंक्लूड ए मिक्सचर मिक्स ए बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। इन सब का जो पांचों का कॉम्बिनेशन है, इनको अगर हम डिफरेंट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी को बात करें, तो उनमें से टू और मोर में क्या आ सकता है? आपका बस भी हो सकता है, मैश भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी भी हो सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी तो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे हम आपके कि उसमें क्या क्या ट्री टोपोलॉजी में आता है। बट इन सब का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड, हाइब्रिड टोपोलॉजी। आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी कंबाइन द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी इन वन टोपोलॉजी। एक टोपोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क का क्या वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है। कैन बी मॉडिफाई एज पर रिक्वायरमेंट। अगर मुझे और कोई ऐड करना है तो मैं एक लाइन पे उसी लाइन पे एक और टोपोलॉजी को ऐड कर सकता हूँ, तो उसको मॉडिफाई करने में भी ईजी रहेगा, एक्सट्रीमली फ्लेक्सीबल भी है, हैंडल ए लार्ज नंबर ऑफ ट्राफिक। अगर नोड्स ज्यादा हैं तो इसका मतलब ट्राफिक भी बहुत ज्यादा होगा। द स्पीड ऑफ द टोपोलॉजी बिकम फास्ट वेन स्पीड ऑफ टोपोलॉजी बिकम फास्ट वेन टू टोपोलॉजी आर पुट टूगेदर। अगर टोपोलॉजी की स्पीड क्या है वो फास्ट रहेगी, अगर दो टोपोलॉजी रहेंगे, दो से ज्यादा रहेंगे तो क्या ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, तो स्पीड कम भी रहेगी। इट इज इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल ऊपर बता ही दिया था। ट्रबल शूटिंग इजी, अगर किसी एक नेटवर्क में फॉल्ट आता है, मान लीजिए रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क में फॉल्ट आ रहा है, तो अगर मैं कोई नेट मैसेज सेंड करूंगा रिंग टोपोलॉजी में, तो वो रिंग मैसेज नहीं सेंड होगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि फॉल्ट मेरा कहाँ पे है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो ट्रबल शूटिंग इजी, एरर डिटेक्टिंग इज रिलायबल, इसमें एरर डिटेक्टर रिलायबल है। इट इज स्केलेबल बिकॉज द साइज कैन बी इंक्रीज इजली। इसका साइज क्या हम इजली इंक्रीज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नेटवर्क को, नेटवर्क को अगर हटाना हो उसको हटा भी सकते हैं। तो अगर मेरे को ये नेटवर्क हटाना है तो इसका क्या होगा, पूरे नेटवर्क को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ से केवल ब्रेक कर दूंगा और क्या ये मेरा नेटवर्क क्या है अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द डिजाइन ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क इज वेरी कॉम्प्लेक्सिबल, इट इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क एक्सपेंसिव,
एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। फिर ये चेंज इन द हार्डवेयर टू कनेक्ट वन टोपोलॉजी विद अनदर टोपोलॉजी। हाइब्रिड आर्किटेक्चर आर लार्जर इन स्केल, सो दे रिक्वायर लार्ज ऑफ केबल इन द इंस्टॉलेशन। इसमें बहुत सारी केबलिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि मुझे लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क को इंस्टॉल करना है। एक तरफ मुझे स्टार्ट नेटवर्क को इंस्टॉल करना है, एक तरफ रिंग को करना है और एक तरफ बस को करना है। तो मुझे केबलिंग सब नोड्स को कनेक्ट करने के लिए, सब नेटवर्क अलग अलग करने के लिए मुझे क्या केबलिंग की जरूरत पड़ती है। इंस्टॉलेशन ये डिफिकल्ट प्रोसेस, इनको इंस्टॉल करना नॉट ए इजी प्रोसेस, और इंस्टॉलेशन के बाद कॉन्फिगर करना वो भी इजी ना है। तो ये था हमारा आज का हाइब्रिड टोपोलॉजी। आगे देखते हैं हमारा फ्री टोपोलॉजी। फ्री टोपोलॉजी में क्या है कि एक केबलिंग रहेगी हमारी जो सेंटर में, जिसके साथ नंबर ऑफ नोड्स और एक नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्टेड है, जिस केबल को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल बोलते हैं। उसमें हम नंबर ऑफ नोड्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपका एक नेटवर्क भी कनेक्टेड रहेगा उसके साथ। तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्री टोपोलॉजी। क्यों ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि उसका अरेंजमेंट जो है, जो फिजिकल अरेंजमेंट जो नेटवर्क का हमें शो हो रहा है, वो एक एज ए ट्री की तरह शो हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टू ये मेनली किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्टार एंड बस टोपोलॉजी का। ए ट्री टोपोलॉजी आर ए स्टार आर बस नेटवर्क इज ए हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच स्टार नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड बाय बस नेटवर्क आर द नोड्स आर कनेक्टेड लाइक ए ब्रांचेज ऑफ द ट्री इज नोन एज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क आर हायरार्किकल एंड ईच नोड कैन हैव एन आर्बिट्री नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स। आगे इसके पढ़ते हैं हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी में हम पढ़ सकते हैं, इफ वन नोड्स आर इट्स कनेक्शन ब्रेक, मान लीजिए ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, इट डज नॉट अफेक्ट द अदर कंप्यूटर नॉर देयर कनेक्शन। ये किसी भी और सिस्टम को क्या बोलते हैं, अफेक्ट नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसमें क्या ये सिस्टम किसी को, सिस्टम को किसी नेटवर्क को कोई भी अफेक्ट नहीं करता। डिवाइस कैन बी एड या रिमूव विदाउट डिस्टर्बिंग नेटवर्क। अगर मुझे कोई और डिवाइस ऐड करना है, जहाँ मान लीजिए मुझे यहाँ कोई नेटवर्क चाहिए तो मैं यहाँ पे नेटवर्क एक ऐड कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे कुछ सिस्टम चाहिए तो मैं यहाँ पे केबलिंग लगा के सिस्टम कनेक्ट कर सकता हूँ। इट वर्क्स वेल अंडर हैवी लोड, ये हैवी लोड के अंदर भी एक अच्छा काम करता है। अप्रोप्रिएट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नेटवर्क आर यूज इन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर यूज होता है। ट्री टोपोलॉजी इज हाईली सिक्योर, ट्री टोपोलॉजी इज रिलायबल, सिक्योर है तो रिलायबल भी रहेगा। आगे देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए ये बैकबोन केबल हमारी जो है जो कहीं ब्रेक हो जाती है, तो ये क्या करेगी, ये अगर नेटवर्क है मेरे क्या केवल जहां पे कनेक्ट हो, तो ये नोड्स ये है इनके साथ इनका कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, बट ये बाकी जो सिस्टम है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्फिगर एज कम्पेयर टू द अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। वाइड एरिया नेटवर्क है तो कॉन्फिगर और इंस्टॉलेशन तो डिफिकल्ट होगा ही। द लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज लिमिट एंड द लिमिट ऑफ द सेगमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द केबलिंग यूज। केबलिंग यूज किस पे, उस पर डिपेंड करता है कि हम लेंथ ऑफ द सेगमेंट की। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स द नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑफ ट्री टोपोलॉजी बिकम ए बिट स्लो। वाइड नेटवर्क है, बहुत ट्रैफिक भी रहेगा तो क्या होगा, इसमें स्लो स्लो प्रोसेसिंग रहेगी। द बैकबोन केबल अपेयर एज द फेलियर पॉइंट ऑफ द इंटायर सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क। बैकबोन केबल अगर फेल हो जाती है, अगर हमारा बैकबोन केबल में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो किसी केबल में कहीं भी फॉल्ट आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो होल नेटवर्क है वो उस पर इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारा होल नेटवर्क जो किस पे डिपेंड है, ओनली बैकबोन केबल पे। बैकबोन केबल के साथ ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, अगर बैकबोन केबल ही ब्रेक हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये नेट इस नेटवर्क को अफेक्ट कर देगा, पूरे सिस्टम पूरे नेटवर्क को अफेक्ट करेगा। एक्सपेंसिव ड्यू टू द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ केबल नीड्स टू वायर ईच होस्ट टू द सेंट्रल हब। जितना वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा उतनी ज्यादा केबलिंग जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस उसको वो क्या होगा, नेटवर्क वो काफी एक्सपेंसिव रहेगा। इफ द बल्क ऑफ नोड इज एडेड टू द दिस नेटवर्क, अगर मैंने बहुत सारे जो नोड्स सब ऐड कर दिए, देन द मेंटेनेंस विल बी बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो उसको मेंटेन करना, उसको इंस्टॉलेशन करना, उसको कॉन्फिगर करना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। इम्पॉसिबल तो नहीं है मान सकते, पर डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि एक एक नोड्स को मुझे कॉन्फिगर करना पड़ेगा, एक एक सिस्टम को कॉन्फिगर करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, तो मुझे उसमें टाइमिंग काफी काफी ज्यादा लगेगा। द सेंट्रल हब इज ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ द नेटवर्क। अगर मान लीजिए ये स्टार टोपोलॉजी में यहाँ पे एक स्टार नेटवर्क है, और ये यहाँ पे हब में जो है वो
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हब में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, उसका पूरा फुली जो नेटवर्क है वो पूरा का पूरा नेटवर्क जो होगा डंप हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके जो मैसेज पासिंग जो है वो सारा हब के थ्रू हो रहा है, और हब क्या बोल रहे हैं, हर एक सिस्टम को कनेक्टर कनेक्शन डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अगर हब भी उनका फेलियर हो जाता है तो पूरा नेटवर्क जो है डंप हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा, आपका सिस्टम जो है डाटा नहीं भेज सकता। ओनली जिस नेटवर्क में, जिस नेटवर्क का हब जो है वो फेलियर हुआ है, बाकी अगर किसी और का अगर प्रॉब्लम आई है तो किसी और में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या है, नेटवर्क क्या है स्मूथली काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेटवर्किंग के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।